जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार के बम लगा रखे हैं। नक्सलियों के लगाए बमों की चपेट में आ जाने से कई जवान शहीद हुए या फिर घायल हुए हैं। इन बमों की चपेट में आ जाने से ग्रामीणों की मौत हुई या फिर घायल भी हुए। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार के बम लगा रखे हैं। इसके साथ ही समय समय पर जवानों के द्वारा नक्सलियों के लगाए बमों को निकालकर निष्क्रिय किया जाता है, लेकिन कई बार नक्सली ऐसे बम लगा जाते हैं जो कि पता नहीं चलता है और इसकी चपेट में आ जाने से जवान घायल हुए या फिर ग्रामीण भी घायल हो रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण में ग्रामीण पति अपनी बच्ची से मिलने दूसरे गांव जा रहे थे, तभी नक्सलियों के लगाए बम की चपेट में आ जाने से महिला और उसके पति घायल हो गया था। बम की चपेट में आने से महिला की दोनों आंखें खराब हो गई। घायल अवस्था में जंगल में पड़े ग्रामीण दंपति को दक्षिण बस्तर में डीआरजी की महिला जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाला और अस्पताल पहुंचाया और जहां उसका इलाज जारी है। बस्तर आईजी सुंदर दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहुंचकर बम की चपेट में आई घायल महिला से मुलाकात की, हालचाल जाना और आश्वासन दिया कि बड़े से बड़े अस्पताल में महिला का इलाज करवाया जाएगा। हालांकि क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान किया जाता है। अब तक जवानों ने इन इलाकों से 2600 से ज्यादा बमों को निकालकर निष्क्रिय किया है। नक्सलियों ने जो बम लगाए थे उसमें 1700 से ज्यादा बम विस्फोट हुए, जिसमें 600 जवान शहीद हुए, 450 जवान घायल हुए। बम की चपेट में आ जाने से ग्रामीणों को भी नुकसान हुआ है। 150 से ज्यादा ग्रामीण इसकी चपेट में आ जाने से घायल हुए हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। नक्सलियों की इन कायराना करतूत से अब ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ है। इसके साथ ही नक्सली अब जवानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने कई प्रकार के बमों को प्लांट कर रखा है, मगर अब इलाकों से लगातार बमों को निकाला जा रहा है और नक्सलियों के मंसूबों पर पानी भी फेरा जा रहा है। मगर नक्सलियों की इन कायराना करतूत से आप इन इलाकों के ग्रामीणों उसमें नक्सलियों के प्रति आक्रोश का माहौल बन चुका है। सर, नक्सलियों ने जवान को नुकसान पहुंचाना आयोजन करा रखा है, लेकिन ग्रामीण भी चपेट में आ जाते हैं, क्या है पूरा? बस्तर क्षेत्र में मोदी द्वारा सुरक्षा बल को हमला करने के नियत से हर जगह में आईडी प्लांट कर करते हैं। इसमें तीन प्रकार के आईडी होते हैं, रिमोट कंट्रोल आईडी, प्रेशर आईडी और कमांड कंट्रोल आईडी है। इस आईडी के माध्यम से अब तक अनेक सुरक्षा बल के साथियों का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ निर्दोष आदिवासी ग्रामीण है वो भी आईडी की चपेट में आकर घायल हुआ, कई बार उनका डेथ हुआ। हाल फिलहाल में दंतेवाड़ा जिला के टेलर में एक प्रेशर आईडी की चपेट में आकर एक बुजुर्ग दंपति घायल हो गए थे। उसमें जो महिला कोसी का आंख की रोशनी चले गए थे, वर्तमान में दंतेवाड़ा में उनकी इलाज जारी है। उसके देखने के लिए कल पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के साथ हम गए थे, उनके ट्रीटमेंट अभी जारी है। उसको और बेहतर इलाज के लिए हम आवश्यकता पड़ने से हैदराबाद भेजेगा। उसके इलाज की संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस एवं जिला प्रशासन जो आवश्यक व्यवस्था करके उसका इलाज करेगा, ताकि जो घायल महिला का राहत मिले और उनके परिजन का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसी उद्देश्य हम कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक बस्तर में मोदी द्वारा लगभग जो 2600 से अधिक आईडी को पुलिस द्वारा सर्चिंग के माध्यम से उसके निष्क्रिय किए गए थे। इसके अलावा 1200 से अधिक आईडी की चपेट में आकर सुरक्षा बल के साथी के साथ साथ निर्दोष आदिवासी ग्रामीण का भी नुकसान हुआ। और ऐसा अनेक घटना जिसमें जो स्थानीय इलाके में मवेशी को भी आईडी के ब्लास्ट में नुकसान हुआ और जो बालक बालिका जो स्कूल जाते आते समय जो मैडम पोस्टर के नीचे मोदी द्वारा आईडी लगा रखते उसका देखते समय उस घटना के समय कई बार निर्दोष जो बालक बालिका को भी आईडी की चपेट में उनको नुकसान हुआ। इस प्रकार का नक्सली द्वारा एक कहराना हरकत है, क्योंकि स्वयं अपना को बचाने के लिए जो सुरक्षा बल की जो अभियान से अपना को बचाने के लिए और सुरक्षा बल को हमला करने के उद्देश्य इस टाइप का एक कहराना हरकत से गैर मानवीय हरकत है। इसी के विरोध में काफी हम लोग ज्यादातर भी अभियान सचेत कर कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले समय में कोशिश रहेगा जो नक्सल के जो आईडी के सप्लाई चेन है उसका तोड़ते हुए इलाके में जो आईडी के माध्यम से